कि दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। दोस्तों एनएचएम की तरफ से बम्पर भर्ती आ चुकी है। 75 अलग अलग तरह की यहां पे भर्ती पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें नर्सिंग व पैरामेडिकल, इसके अलावा यहां पे 75 अलग अलग पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। बिल्कुल ऑल इंडिया भर्ती है। कुल मिलाकर 847 पदों पर यह भर्ती एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से निकाली गई है। आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लगने वाला नहीं है। जी हाँ, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 7 नवंबर 2020 तक इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अभी तक आपने जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे दोस्तों जो फॉर्म है, बिल्कुल फॉर्म ऑनलाइन है, और यहाँ पे जो है आप लोग इस फॉर्म को 7 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हो 7 नवंबर 2020 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 55 ईयर्स रखी गई है अधिकतम। यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी के लिए रखी गई है फीमेल के लिए अलग से, और एससी एसटी के लिए जो है यहाँ पे अलग से रखी गई है, जिसमें अलग अलग 75 अलग अलग जो है पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसमें आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। टोटल यहाँ पे 847 वैकेंसी रखी गई है। और सबसे पहले हम बात करेंगे 45 नंबर 45, यहाँ पे देख सकते हो नर्सिंग, जूनियर नर्सिंग ट्यूटर की यहाँ पे वैकेंसी है। नर्सिंग के लिए 2 वैकेंसी, कुल मिला के 4 वैकेंसी रखी गई है। 4 वैकेंसी में बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम डिप्लोमा नर्सिंग एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 30,000 रुपये सैलरी यहाँ पे जो है जूनियर नर्सिंग ट्यूटर को मिलने वाली है। 4 वैकेंसी है। बीएससी नर्सिंग जीएनएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मिडवाइफेरी ट्यूटर नर्सिंग सेल की वैकेंसी 1 वैकेंसी, एक एक वैकेंसी है, कुल मिला के 2 वैकेंसी है, जिसमें एमएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 80,000 रुपये यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे वैकेंसियाँ रखी गई है। पब्लिक हेल्थ मैनेजर की वैकेंसी है, 34 वैकेंसी रखी गई है। इसमें पीजी डिग्री पीजी डिप्लोमा वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 75 अलग अलग तरह की यहाँ पे जो है पोस्टें रखी गई है, जिसमें डिप्लोमा वाले, एएनएम वाले, जीएनएम वाले, बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एमबीबीएस के लिए भी वैकेंसी रखी गई है। सभी के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसियाँ रखी गई हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है। इसमें डिग्री वाले और डिप्लोमा फिजियोथेरेपी वाले जो हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 75 अलग अलग तरह की पोस्ट रखी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके जो है आप लोग अच्छे से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म को जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी है, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, जिसमें बीएससी एमएलटी वाले, डीएमएलटी वाले, तो बीएमएलटी वाले और डीएमएलटी वाले भी जो हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 3 वैकेंसी रखी गई है 19 नंबर के लिए। तो यहाँ पे जो है आप लोग अच्छे से देखिए, और सभी के लिए वैकेंसी रखी गई है। आप सभी लोग जो हैं इस फॉर्म को 7 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, फॉर्म जो है ऑनलाइन रखी गई है, और यह जो भर्ती निकाली गई है यह भर्ती गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी एनएचएम के अंतर्गत जो है यहाँ पे निकाली गई है, जिसका यहाँ पे विज्ञापन नंबर 06/2020/847 रखी गई है। तो 847 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। 7 नवंबर तक जो है आप लोग इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी कोई जानकारी चाहते हो तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।